कितनी बार कहा मैंने कि यहाँ पे मटका नहीं लगाना है, क्यों लगाती है? साहब और कहाँ लगाऊंगी, और कहाँ जगह है साहब जो मैं लगा लूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दुकान खोल सकूं। ये ना अपने मगरमच्छ के आंसू किसी और को जाकर दिखाइयो, समझ में आया तुझे? क्या कहा था तुझे मैंने लास्ट टाइम कि मुझे हर दिन 1000 रुपए चाहिए? कितना? 1000? समझ में नहीं आता तुझे? साहब उतनी तो मेरी कमाई भी नहीं होती है। उतनी तेरी कमाई नहीं होती है तो मैं क्या करूं? हाँ, आज के बाद इस जगह पे दिखना नहीं चाहिए तू मुझे, ऐसे नहीं समझेगी तू। आज के बाद कभी तू यहाँ दिख गई ना, तेरे सारे मटके ऐसे तोड़ दूंगा मैं, समझ में आया? वो साहब, अरे साहब साहब मेरे मटके, साहब 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 तोड़ जाना साहब। मटका क्यों फोड़ा इसका? अरे सर, आपने मुझे क्यों मारा? आपको तो इसे मारना चाहिए। आपको पता है बिना किसी के परमिशन के यहाँ भी मटके की दुकान लगाती है? यहाँ दुकान लगाने के लिए परमिशन कौन मांगता है? अरे सर, आज के टाइम पे ना एक ठेला लगाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, ऊपर तक जानी पड़ती है, और ये लड़की यहाँ पे आके इस पार्किंग में अपना मटका लगाती है। आपको पता है आने जाने वालों को कितनी तकलीफ होती है? चलो उस बात को मानता हूँ, परमिशन लेना चाहिए, पर किसी गरीब के साथ ऐसे तो नहीं करना चाहिए जैसे तुम कर रहे हो। अरे सर, मैंने इस लड़की को कितनी बार बोला कि नहीं यहाँ पे दुकान नहीं लगाना है, बोलती नहीं सर आप एक काम करो 2000 घूस ले लो। ये लड़की मुझे घूस दे रही है सर। कितना झूठ बोल रहे हैं सर आप। मैंने कब बोला कि मैं आपको घूस देने के लिए तैयार हूँ? मैंने तो आपसे बल्कि विनती की थी कि साहब मुझे यहाँ पे दुकान लगाने दो, घर पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। पर आपने बोला था कि ये एरिया ना आपके अंडर में आता है और मुझे अपनी कमाई का पूरा हिस्सा देना पड़ेगा आपको। क्या कहा? अरे पागल हो गई है क्या तू? मैंने कब तुझे ऐसे कहा? अरे सर, लड़की ना आपको पागल बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो तेरे पास परमिशन नहीं है, समझ में आया तुझे? परमिशन परमिशन क्या नाटक लगा रखा है परमिशन? तुझे पता है इसने सारी सच्चाई मुझे पहले ही बता दिया था। भैया मटका, भाभी ने कहा था कि मटके लेके आना ठंडे पानी के लिए, चलो ले लेते। आ जाओ ले ले। मैंने ये मटके कैसे दिए? साहब ये मटका तो 200 रुपए का है। काम करो ये वाला दे दो मुझे। ठीक है साहब। मैं एक बात पूछूं? जी। तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? उदास? नहीं नहीं सर, मैं उदास कहाँ, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, तुम मेरी बहन जैसी हो। सर क्या बताऊँ मैं आपको, आपको पता है एक पुलिस वाला है, रोज यहाँ पे आके मुझसे हफ्ता वसूलता है। हफ्ता? हाँ, और जितने की कमाई नहीं होती है मेरी, उससे ज्यादा तो वो लेके चला जाता है। अब मैं उसमें उदास नहीं रहूं तो क्या करूं? इतनी कड़क धूप में रोज मुझे काम करना पड़ता है और जितनी कमाई नहीं होती वो सब लेके चला जाता है। और आज भी वो आने वाला है, जो भी आज कमाई हूँ और जो आपसे कमाऊंगी, कुल 500 रुपए की कमाई की होगी मैंने अभी तक, वो भी उसमें से 400 रुपए लेके चला जाएगा। अब आप ही बताओ साहब, मैं उदास नहीं रहूं तो क्या करूं? भैया मुझे लगता है दीदी बहुत परेशान है, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रही है, ये भी तो मेरी बहन है। मैं इस देश का जवान हूँ और मेरा फर्ज बनता है इस देश की सभी बहनों का रक्षा करूँ। अरे बहन रो मत तुम, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। अभी मैं इधर ही छुप रहा हूँ, वो आएगा तो उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा मैं। अगर तू असली पुलिस वाला है तो तेरे पास जूते भी होते असली। सर मैं तो बस जल्दबाजी में भूल गया था जूते। अरे अरे जा कहाँ रहा है तू? अरे बहन मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। सर सर मैं पैसे माफी मांगू, मांगना है तो साहब 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 बहन मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ये वर्दी नहीं पहनूंगा।
और मैं वादा करता हूँ कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। माफ तो कर दूंगा तुझे, पर पहले इसका भरपाई करके जा तू। हाँ हाँ सर, मैं अभी करता हूँ। तीन चार हजार रुपये होगा सर इसमें। सर आज के बाद मैं इस इलाके में कभी नहीं भटकूंगा, मुझे माफ कर दो सर। सर पैसे दे दिए उसने? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज यहाँ नहीं आए होते ना, तो ये आदमी आज फिर मुझे लूट के चला जाता। अरे शुक्रिया कोई बात नहीं है, हम इस देश का जवान है, हमारा फर्ज बनता है सबका रक्षा करें हम। और तुम आज से यही दुकान लगाओगी और तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरी बहन वहाँ इंतजार कर रही है मेरा।